झारखंड में विधानसभा के दो सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने बताया कि झारखंड उपचुनाव में दुमका से लुइस मरांडी और बेरमो से योगेश्वर महतो उम्मीदवार होंगे। लुइस मरांडी पहले भी दुमका सीट से विधायक रह चुकी हैं और पूर्व की रघुवर दास सरकार में मंत्री भी थी, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में लुइस मरांडी हेमंत सोरेन से हार गई थी। लेकिन यह पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि लुइस मरांडी को ही बीजेपी फिर से चुनाव मैदान में उतारेगी। वहीं योगेश्वर महतो को लेकर संशय था, लेकिन पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। 2014 के विधानसभा चुनाव में योगेश्वर महतो इसी सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन 2019 के चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र सिंह से हार गए थे। हालांकि उन्हें अच्छे खासे वोट भी मिले थे। दुमका सीट सीएम हेमंत सोरेन के छोड़ने और बेरमो सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह के आकस्मिक निधन के बाद खाली हुई है। दुमका से जेएमएम ने सीएम हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने बेरमो से जयमंगल सिंह को मैदान में उतारा है। जयमंगल सिंह कांग्रेस के दिवंगत नेता राजेंद्र सिंह के बड़े बेटे हैं। दुमका से लुइस मरांडी बीजेपी की प्रत्याशी घोषित की गई हैं, जबकि बेरमो से योगेश्वर महतो बाटुल चुनावी मैदान में बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर उतरेंगे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा कर दी है।